Hi guys, welcome back to my channel. So today we will be discussing about fundamental rights, meaning, concept and genesis. Usually हम बस ये देखते हैं कि हमारे क्या basically fundamental rights हैं जो हमें constitution के द्वारा दी गई हैं. Basically those six rights: right against exploitation, right to freedom of religion, right to speech and all those rights we see. But we never have discussed or we never discuss the meaning, concept or genesis. मतलब क्या rights, fundamental rights actually में है क्या, इसका concept क्या है, इसका evolution कैसे हुआ, कैसे आया fundamental rights. So आज हम discuss करेंगे इसी बारे में कि हमारे basically fundamental rights हैं क्या, इसका concept and ये कैसे evolve हुआ. ठीक है, so let's get started guys. ओके गाइस, सो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार. मीनिंग, द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज बेसिक ह्यूमन फ्रीडम दैट एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू एंजॉय फॉर अ प्रॉपर एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. दीज राइट्स यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट और जेंडर. ओके फाइन गाइज, दिस वॉज अ बुकिश लैंग्वेज आई गेस. So let's ignore this bookish language and stick to the point. So fundamental rights हैं क्या? Okay. So fundamental rights ऐसे rights हैं, ऐसे अधिकार हैं जो हर Indian citizen को मिलता है, and they are defined as कि वो सारे rights जो कि Indian citizens को मिलता है और वो सारे freedom जो Indian citizens enjoy करते हैं, and with a harmonious development of personality. मतलब एक ब्रदरहुड और एक फेलोशिप को फॉलो करके जो राइट्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, जिसको वो इंजॉय करते हैं विदाउट वायलेटिंग एनी बडीज अदर्स राइट, तो उसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं. ये जो राइट्स होती हैं ये सबको दी गई हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, देयर प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, वॉट एवर इट इज. ये राइट्स सबको दी गई हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि जब राइट्स आया तो फिर हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट थी कि इन चीज़ों को ख़त्म करना है, दैट्स वाई वी आर ब्रिंगिंग द राइट्स. बेसिकली यही था. उसके बाद दोज राइट्स स्टार्टेड द इवोल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज यूज टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, फॉरबिड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो यूज टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, इसने छुआछूत की भावना को ख़त्म किया. प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भेदभाव हो रहे थे विथ इधर आप कह लो कि सिटीजन्स में, इधर कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल के बायसनेस के ऊपर और वॉट एवर इट इज़, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए. फॉरबिड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो दैट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो दैट राइट ऑल्सो फॉरबिडेड कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रहा है इसे हमें रोकना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. सो लेट्स स्टिक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जेनेसिस, कैसे इवोल्यूशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स. मतलब जब फंडामेंटल राइट्स आया इंडिया में, ह्यूमन राइट्स आया इंडिया में, तो इसके कुछ हिस्टोरिकली बेस्ड कुछ पहले से राइट्स थे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, तो उस बेसिस पे हमने सोचा कि नहीं, वी शुड डू सम इवोल्यूशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. सो बेसिकली ये किन चीज़ों पे है, तो फर्स्ट वन इज़ इंग्लैंड्स बिल ऑफ राइट्स 1689, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. ओके, अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कि कैसे राइट्स आया. बेसिकली दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ रॉलेट एक्ट 1919 एंड द नेक्स्ट वन इज़ नेहरू कमीशन दैट इज़ ऑफ 1928. सो फर्स्ट विल स्टिक टू रॉलेट एक्ट 1919. एक्चुअली जब रॉलेट एक्ट 1919 आया तो ये जो था इट गेव अ इमेंस पावर और यू कैन से एक्सटेंसिव पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पुलिस, एंड ये लोग बिना किसी परमिशन के और ये इन लोगों के पास एक्सटेंसिव पावर्स हो गई, दे स्टार्टेड इन्जॉइंग दोज इमेंस पावर और ये बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने लगे लोगों को. उसके बाद इन लोगों के पास इतनी पावर्स थी कि दे स्टॉप्ड
कि गैदरिंग्स नहीं होंगी, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी, इसलिए जो पब्लिक थी, आम जनता जो थी, दे अपोज्ड दिस एंड डिमांडेड गारंटीड सिविल फ्रीडम लिमिटेशन, सिविल फ्रीडम एंड लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट पावर. तो जो आम जनता थी, इन लोगों ने डिमांड किया कि इन लोगों को फ्रीडम चाहिए और गवर्नमेंट की जितनी भी जो पावर्स है उसको लिमिटेशंस होनी चाहिए उस पर, कि कुछ लिमिटेड पावर्स भी होनी चाहिए, कुछ पावर्स जो है वो सिटीजन्स के पास भी होनी चाहिए. और ये इसलिए आया क्योंकि जो इंडियन सिटीजन्स थे उस टाइम पे, दे वर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इन लोगों ने इस राइट को क्या किया कि दे टुक इट एज ए इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. उन्होंने ये सोचा कि इसको हम एक इंस्पिरेशन जैसा कंसीडर करते हैं. दे गेट मोटिवेटेड विद द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे थॉट कि हमें इस बेसिस पे हमें भी एक राइट्स फंडा, कुछ हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए, कुछ आम जनता के पास भी राइट्स होने चाहिए, और जो राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को, उनके राइट्स को हम लोगों को, उनके पावर्स को हम लोगों को लिमिटेशंस लगा देनी चाहिए उनके पावर पे. तो ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ यू कैन से कि वायलेंस भी आ गया इस चीज़ के वजह से. इस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक जो थे, दे स्टार्टेड अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, दैट इज़ नेहरू कमीशन 1928. ओके, प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया. ओके, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लीडर्स थे, इन लोगों ने एक रिफॉर्म प्रपोज किया. ठीक है, एंड दे सेड कि हमें डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए, बट वी वॉन्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज ऑल्सो, और हमें पावर्स जो है गवर्नमेंट के, उन पर कुछ लिमिटेशंस भी लगानी चाहिए. मतलब दे सेड कि हमें रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस भी चाहिए, एंड जो पावर्स है गवर्नमेंट के उस पर भी हमें लिमिटेशंस लगाने चाहिए. फिर फाइनली 1931 में INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन. ठीक है, इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन ऑप्ट किया विच वॉज कि अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को हमें कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए, ईदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और वट एवर इट इज़. फिर 9 दिसंबर 1946 को एक फर्स्ट मीटिंग हुई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड बाद में जो सेकेंड मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया. ठीक है, फिर इलेक्शंस हुए एंड कांग्रेस को मेजॉरिटी वोट्स मिले, एंड मेंबर जो थे मेजॉरिटी कांग्रेस के थे. सो इन लोगों ने फिर क्या किया कि डिफरेंट पर्सन को, डिफरेंट लीडर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फॉर डेवलपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल लॉज, की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए कि वो डेवलप करे कॉन्स्टिट्यूशन को और जो नेशनल लॉज है उसको भी डेवलप करे. ठीक है, इसके लिए डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई अलग अलग लेवल पे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, दैट वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी, विच वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके, उसके बाद एक नोटेबल डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, ऑन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन द 10 दिसंबर 1948. एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट टुक प्लेस ऑन द 10 दिसंबर 1948. एक्चुअली वॉट हैपेंड कि जो UN जनरल असेंबली थी, दे ऑप्टेड अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, और इन लोगों ने बोला कि जितने भी मेम्बर्स हैं UN जनरल असेंबली के, दे हैव टू अडॉप्ट ऑल द राइट्स, और अपने उन लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स को अडॉप्ट करने हैं. ठीक है, और फिर फाइनली इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके फाइनली फंडामेंटल राइट्स वे इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फेब 1948, सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 17 अक्टूबर 1948, एंड द फाइनल थर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 नवंबर 1949, विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड जेनेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड येस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी कीप अपडेटिंग अबाउट द नेक्स्ट वीडियोज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.